नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। बहराइच के थाना केसरगंज से खबर है, जहां पर प्राथमिक विद्यालय में तैनात एक शिक्षक ने मनचलों से तंग आकर आत्महत्या कर। मृतक शिक्षक ने खुदकुशी करने से पहले सोशल मीडिया पर अपना सुसाइड नोट भी वायरल कर दिया था। बताया जा रहा है कि मृतक शिक्षक की पत्नी भी शिक्षिका है, जिस पर कुछ मनचले शिक्षक भद्दे कमेंट्स कर रहे थे, जिनसे आहत होकर शिक्षक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर। मृतक शिक्षक केसरगंज में किराए का कमरा लेकर अपनी शिक्षिका पत्नी के साथ रहता था। सुसाइड नोट में उसने लिखा है कि उसके आवास के आसपास रहने वाले मन चले शिक्षक के अपने पत्नी के ऊपर भद्दे कमेंट के कारण वह आत्महत्या कर रहा है। नीरज कुमार चौबे या पुत्र अर्धेश कुमार चौबे, जो कि औराई भदोही जनपद के रहने वाले थे, वो यहाँ पे टीचर थे हुजूरपुर में। इन्होंने कल एक व्हाट्सएप पे अपना सुसाइड नोट लिखकर के वायरल किया और उसके बाद उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया। उनकी पत्नी आकांक्षा मिश्रा, वो भी टीचर है, और ये इनके साथ साथ करीब 20-22 परिवार ऐसे हैं जो कि जाफर मंजिल कैसरगंज में एक प्लेस है जहाँ पे किराए पे रहते हैं। और इनकी इनका ये आरोप है कि इनकी पत्नी जब भी गुजरती है तो उसको देख के हंसते हैं लोग। वहाँ के टीचर, वो भी झापाकड़ है, उनका परिवार है, और उनके ऊपर जो आरोप लगाया उन्होंने कि उनकी पत्नी के साथ जो है टिप्पणियाँ करते हैं लोग, इस आशय का उन्होंने इसके पहले कोई प्रार्थना पत्र या कोई शिकायत नहीं की थी। पहली बार मामला संज्ञान पे आने पर पुलिस सक्रिय हुई और उनकी पत्नी की तहरीर पर इसमें FIR दर्ज की गई है। उनके सुसाइड नोट को भी इस विवेचना का पार्ट बनाया जा रहा है और उनकी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान नीरज कुमार चौबे की डेथ हुई है। पूरे प्रकरण में जो भी साक्ष्य अवेलेबल है उसके आधार पर विवेचना कराई जा रही है, और उनके साथी जो टीचर हैं जो साथ में रहते थे वहाँ पर, उनके परिवार के लोग, उनके विरुद्ध जो आरोप लगे हैं कि गंभीरता से विवेचना की जा रही है, अतिशीघ्र इसमें कार्रवाई की जाए। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटिजन न्यूज। नमस्कार।